have the right to interfere in the matter. Only the jurisdiction is in the assembly of government of Jammu and Kashmir or the parliament, this president of the country. मैं खुद हैरान हूं कि रियासत जो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मामला लिया किन हालातों में लिया अपने हाथ में कैसे बिकॉज ये एप्लीकेशन वहां आने से पहले ही खारिज हो सकती थी खारिज कर सकते थे बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स नहीं है ये पावर्स खाली असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए गए हैं एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट अगर कोई भी अमेंडमेंट करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो जो असेंबली है यहां की और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये दो ही पावर रखते हैं कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए और इस चीज को लेके ये वाजिया एक कागज जो है ये दो तीन कागज उस वक्त के जो साइन किए थे ये हमने नहीं किए आपने नहीं किए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किए हैं और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त किए हैं ये सब कागज मैं भी आप लोगों को दे रहा हूं कि ये कागज एक अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता तो मेरे ख्याल में सभी बातों का जो जवाब था वो इन कागजों में लिखा हुआ था और क्लियर किया गया था लेकिन क्यों रियासत जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में ही आप हमें रखना चाहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर बिकॉज इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट जोन और इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप क्यों हमें इससे बाहर नहीं आने देते देखिए अब बहुत गया बड़ी मुश्किल से हमारे जो बच्चे हैं सर्वाइव कर रहे हैं यहां पे हालात हमारे यहां पर ठीक नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म सेक्टर हमारा बैठा हुआ है रेवेन्यूज हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत कम है लद्दाख एक रीजन है जम्मू एक रीजन है और खास करके मुबारकबाद देता हूं मैं जम्मू के बीजेपी के एमएलए का भी जिसने समर्थन किया और हकीकत में बिकॉज राम माधव जी जो कांग्रेस बीजेपी के हैं या अगर मैं बात करूं जो अमित शाह जी है बिकॉज ही इज नॉट ए सिटेट सब्जेक्ट होल्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एमएलए साहब जो है जिन्होंने जम्मू में कल इस चीज का सपोर्ट किया वो यहां का बाशिंदा है जम्मू का बाशिंदा सही कहा उसने अगर 35A 370 टूटता है तो सबसे पहले जो तलवार है वो जम्मू के लोगों के ऊपर गिरेगी और उसके बाद कश्मीर के लोगों के ऊपर गिरेगी जो उसने सपोर्ट किया मैं चाहता हूं कि जितने भी एमएलए बीजेपी के भी हैं बिकॉज वो जम्मू के रहने वाले हैं वो दिल्ली के नहीं है रावलपिंडी के नहीं है पंजाब के नहीं है वो यहां के रहने वाले हैं और उनको चाहिए कि वो इस चीज को बाकी जो एमएलए उनको भी सपोर्ट करना चाहिए उनकी जो पार्टी है वो तब है उनका एमएलए तब जीत सकता है जब उनको यहां के बाशिंदे जिनके पास सीटेट सब्जेक्ट है जब वो वोट डाल सकेगा अगर वो वोट नहीं डालेगा तो उनकी पार्टी भी जीतेगी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी भाजपा के लीडर हैं वो भी सपोर्ट करें और कांग्रेस को भी चाहिए जो खुलेआम वो लोग उनके सामने नहीं आ रहे हैं जिस तरह बाकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया पीडीपी ने किया इसी तरह क्योंकि यहां पर एक सबसे अच्छी बात मैं ये मानता हूं कि 35A ने क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने एक फायदा जरूर दिया हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो दूरियां थी वो नजदीकियां वो खत्म होगी लद्दाख के लोग हमसे अलग मतलब नाराजगियां थी जम्मू के लोगों में नाराजगियां थी वो नाराजगियां खत्म हुई और उससे हम एक हो गई जो सबसे बड़ी बात है मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तीनों खत्म के लोगों को चाहे उसमें लद्दाख के लोग हैं जम्मू के लोग हैं कश्मीर के लोग हैं और सभी डिफरेंसेस एक साइड छोड़ के और जितने भी वकला हैं जितने भी ट्रेडर्स हैं जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं सबों ने एक होके इस पे जो जवाब दिया मैं उम्मीद करूंगा और दुआ भी करेंगे हम कोशिश करेंगे कि सभी एक आवाज होके मुझे लग रहा है कि आवाम से बढ़कर कोई बड़ी ताकत नहीं होती है जिस तरह एक जमाने में जो एक ऑर्डर हुआ था सेक्रेटरी से गुलाम नबी आजाद के दायरे में जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक लैंथ दी थी अमरनाथ शाह को जो लोगों को शायद लोगों ने उन्हें ऑब्जेक्शन जो वो काफी लैंथ दी थी तो वो ऑर्डर भी कहीं ना कहीं